भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी फंडा तैयार कर क्षेत्र में अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर अपनी सीट सुनिश्चित करने की मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में विभ्राट चंद कौशिक युवा कल्याण बोर्ड के मंत्री मुबारकपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज आजमी व विभा बनवाल जिला महिला मोर्चा महामंत्री की देखरेख में नगर के हालातों एवं अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी ने देश में कोरोना जैसे विकट संकट से निपटने के लिए कई ठोस निर्णय लिया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों की सेवा में तत्पर रहे। साथ ही कौशिक ने कहा कि कोरोना काल में मृत्यु हुए परिजनों के परिवार को 4,000 रुपए प्रति माह के दर से भत्ता के साथ ही स्वास्थ्य बीमा के तहत 5,00,000 का बीमा कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। जब बच्चा 23 वर्ष का हो जाएगा तो उसे 10,00,000 रुपए सरकार उसे अनुदान के तौर पर देगी, जबकि योगी जी ने 4 साल में 4,00,000 नौकरियां दी, जिसमें 1,30,000 शिक्षकों को भी भर्ती समाहित है, जबकि सरकार की योजना है कि 5 साल में 5,00,000 नौकरियां उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित कराई जाए। ऑक्सीजन की कमियों को दूर करने हेतु माननीय योगी जी ने सभी जिलों में गैस प्लांट सर्विस स्टेशन खोलकर जनता एवं सरकार को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। इस अवसर पर लक्ष्मण मौर्य जिला महिला मोर्चा की महामंत्री विभा बर्नवाल, नगर संघ संचालक विजय वर्मा, जावेद अहमद अंसारी, राहुल बर्नवाल, गोपाल जायसवाल, सुदामा गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। सर, आज मुबारकपुर में जो बैठक रखी गई है 2022 के आगामी चुनाव को देखते हुए, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 6 महीने बाद 2022 का चुनाव होने वाला है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा दल है कि इसमें हमेशा बैठकें, संवाद, अन्य चीजें होती रहती हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी ने गौरवपुर का रहने वाले हैं, तो युवा कल्याण विभाग का जिम्मेदारी दिया है और मुबारकपुर का मुझे प्रभारी बनाया गया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुबारकपुर में कठिन श्रम की जरूरत है, क्योंकि एक तो ये विधानसभा हम लोग कभी जीते नहीं और पिछला जो वोट का भी परसेंटेज था तो हम लोग 3रे स्थान पर थे, लेकिन यह है कि अब परिस्थितियाँ बदली हैं। हम मोदी और योगी सरकार की विकासपरक उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और हम अगर राम को चाहते हैं तो रहीम को भी चाहते हैं, सालनी को अगर चाहते हैं तो सलमा को भी चाहते हैं। तो एक विकास के एजेंडे, क्योंकि मैं युवा कल्याण का हूँ इसलिए आपको युवा कल्याण की बातें ज्यादा बेसिकली बताऊंगा कि आप देखे होंगे कि 4 साल में 4,00,000 सरकारी नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरी जिसमें 1,30,000 तो केवल शिक्षकों की नियुक्ति थी। 5 साल में हमने योजना बनाई है कि 5,00,000 सरकारी नौकरी देंगे जो है लोक सेवा आयोग से, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से प्राथमिक शिक्षकों का अभी और भर्ती होना है, दरोगा चयन करने वो 1,000 से ज़्यादा पद वैकेंट किया गया है, आज अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, चिकित्सा शिक्षा में है, मेडिकल में है, क्योंकि कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर हैं, जो कंपाउंडर हैं, जो वहाँ का अन्य वर्किंग स्टाफ है, उसकी बहुत कमी दिखाई दी और आजकल 18 से 44 और उसके 45 के ऊपर का पूरे प्रदेश में टीकाकरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसने 5 करोड़ से ज़्यादा टीके लगवा दी चुके हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कोरोना पीड़ित थे
और कोरोना पीड़ित होने के बाद जब स्वस्थ हुए तो उत्तर प्रदेश के इकलौते मुख्यमंत्री थे जो 25 दिन में 5678 किलोमीटर की यात्रा की, भले हवाई यात्रा था, अब के आजमगढ़ में भी आए थे, कोई मंडल बचा नहीं था तो गए नहीं थे। और आज उससे स्थिति यह है कि इतना बड़ा राज्य होने के बाद कल का जो आंकड़ा है वो 524 मात्र। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की, नीति आयोग ने किया, मुंबई हाईकोर्ट ने किया, और जो हमारा हाईकोर्ट है प्रयागराज हाईकोर्ट ने योगी सरकार के प्रबंधन की भूर भूर प्रशंसा की। हाईकोर्ट तो हम चलाते नहीं हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपके मीडिया के लोगों ने, सभी चैनलों ने और सभी प्रिंट मीडिया ने कहा कि यूपी सरकार का कोरोना प्रबंधन भारत में सबसे अच्छा था। सर लेकिन तो, जो कोरोना पीड़ित जो मरीज जिनकी डेथ हो चुकी है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? अभी देखिए, हम लोगों ने एक योजना बनाया है कि जो बच्चा, तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता भी चले गए, तो उन बच्चों के लिए जो अनाथ बच्चे, 4000 रुपया प्रतिमाह उनको भत्ता दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है, और जब वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा, 23 साल ये माना जाता है कि अब बच्चा आत्मनिर्भर होगा, तो उनको 10 लाख रुपया देंगे हम। जो बच्चियां हैं उनको कस्तूरबा विद्यालय में, अटल आवासीय योजना में उनका निःशुल्क हम प्रवेश कराएंगे, बच्चों को भी स्नातक स्तर तक उनको निःशुल्क छात्रावास देंगे, उनको ड्रेस देंगे और उनकी पढ़ाई कराएंगे। तो यह सब योजनाएं सरकार ने बनाई, हमने बड़ा जोर से हवा उड़ा कि सब सब फेंके जा रहे हैं, सबका कोई पुरसाहल नहीं है। तो योगी सरकार एक पहली सरकार है कि जिसने लकड़ियों के इंतजाम के लिए 5000 रुपये व्यवस्था किया। जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, जिनके कुछ ऐसे भी तो लोग हैं कि भाई वो सक्षम नहीं है, हम आप तो सक्षम भी हो सकते हैं, हमको प्रभु न करे कि हमारे कोई हादसा हो, लेकिन यह है कि अगर होगा तो इतना हम लोग सक्षम है कि अंत्येष्टि कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी समाज में हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनको 5000 रुपया दिया जाएगा, लकड़ियों का प्रशासन इंतजाम कराएगा। कोरोना काल में सबसे बड़ी, चूँकि मैं